कांग्रेस पार्टी अपना गैर जिम्मेवारन व्यवहार के कारण आज देश की संसदीय प्रणाली को शर्मसार किया है। अपने तयशुदा टाइम में उन्होंने सारा समय अपने नौ वक्ताओं के द्वारा समाप्त करने के बाद जिन मित्रों के बारे में उन्होंने आग्रह किया कि मणिपुर की मित्रों को आपने बोलने का मौका नहीं दिया, वो तो राहुल गांधी जी की 90 मिनट की भाषण के बाद उनको भी बोलने के मौका दे सकते थे। उनकी नौ मित्रों में एक मणिपुर की थे और किसी को काट के उनको भी दे सकते थे। कांग्रेस पार्टी सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषण को व्यवधान डालने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। कल नेता प्रतिपक्ष की जिस प्रकार की अगणतांत्रिक, असंवैधानिक और नियम की सारे विषयों को धर्जिया उड़ाते हुए उन्होंने जैसे व्यवहार किया था, आज ही ऐसा ही उसका पुनरावृत्ति किया, उन्होंने रिपीटेशन किया। इसको कितना भी गणतंत्र में, कितना भी कड़ी शब्द में उसको निंदा किया जाए, ये कम होती है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की ओछी व्यवहार से आने वाले दिनों में देश की प्रजातंत्र के हित में व्यवहार संयमित करे, यह हमारी उनसे अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी ने आज नीट के बारे में कहा, राष्ट्रपति जी ने नीट के बारे में अपने भाषण में उल्लेख किया था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में उल्लेख किए। कल राज्यसभा में भी चर्चा होगी, चर्चा से भागता कौन है? मुद्दा उठाओ, सुनने की, सत्य सुनने की ताकत नहीं है, भाग जाना ये उनकी तरीका है। ये एक इस प्रकार की पार्टी जो ऐसे ही तो नीचे जा रहे, लेकिन फिर भी ये उम्मीद कांग्रेस पार्टी से नहीं था कि उनकी व्यवहार इतनी ओछी होगी। थैंक यू।